वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। और यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 6 जो कि दोहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये हमारे लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप इस लफड़े में पढ़े हैं तो अलर्ट हो जाएं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप 10th पास करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, ठीक है। ये जो दोहा है यह बिहारी के दोहे, इसको खुद बिहारी लिखे हैं, ठीक है। बिहारी एक कवि हैं, ठीक है। और ये जो दोहा लिखा गया है, इस दोहे में बिहारी जो कवि हैं वो प्रेम के कवि है। सबसे ज्यादा वो प्रेम के लिए प्रतिष्ठित है, सबसे ज्यादा वो लव, जो प्यार मोहब्बत होता है, ठीक है, उसके बारे में सबसे ज्यादा ये लिखे हैं। और यहाँ पे प्रेम के सिवा इनका भक्ति और नीति परक भी काफी फेमस है, लेकिन इनको कहा जाता है कि मतलब लव गुरु समझते हैं ना, उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा लिखे हैं। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इसमें जानेंगे। और इसमें बहुत कई कई अपने, जैसे लाइफ में हमेशा कभी सुख और कभी दुख होता है, वैसे इस कविता में तीनों के बारे में, प्रेम के बारे में भी इसमें चर्चा है, ठीक है। प्रेम होने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। भक्ति के बारे में भी, कि इंसान को कैसे रहना चाहिए भगवान के प्रति, ठीक है। नीति परक, उनके नीतियों को अपना भूलना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए, उसके बारे में भी बात है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये दोहा। देखिए, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामू हरित दूति होए। यहां समझिएगा कि लेखक बिहारी ये खुद कह रहे हैं कि मेरी बाधा हरो, यानी कि जो राधा से बोल रहे हैं कि हे राधा, तुम मेरी जितनी भी बाधा है वो दुख दूर कर दो, उस समस्याओं को हर लो, दुख दूर कर दो, ठीक है। जिस तरह तुम्हारे छाई, मतलब होता है परछाई, तुम्हारे परछाई के पड़ते ही जो श्याम है, भगवान समझिए, भगवान कृष्ण जो है, ठीक है, वो काफी क्या हो गए, हरित हो गए, उनके चेहरे पर काफी खुशी आ गई, हरियाली छा गई, वैसे ही तुम भी मेरे बाधाओं को दूर कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला दोहा समझ में आया होगा। सेकेंड दोहा देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे। देखिए, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि पूजा पर ध्यान रखता है, मतलब पूजा तो हम लोग करते हैं लेकिन ध्यान दूसरे जगह रहता है, ठीक है। तो यहां देखिए, जप माला छापे तिलक सरे ना एको कामो, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। यहां समझिएगा, कह रहा है कि माला जपने से और लंबा टीका लगा लेने से, तिलक लगा लेने से, ठीक है, यानी कि सरे ना एको कामो, काम आपका कोई पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप भगवान को याद कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दिन भर माला जप रहे हैं, हरिओम हरिओम, जो भी है गॉड का नाम आप ले रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा तिलक लगा रहे हैं, तो आपका कोई काम इससे पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू, और अगर आपका मन क्या है, काफी कच्चा है, ठीक है, और नाचे और इधर उधर वृथा माने बेकार में ही भटक रहा है, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है, उससे आपसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आप सच्ची में भगवान को, गॉड को, खुदा को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो सच्चे मन से बस गॉड को याद कीजिए, ठीक है, और नेक का काम कीजिए, पर दिन भर पाप कीजिए, ठीक है, दिन भर गुनाह कीजिए, उसके बाद से आकर के और सुबह में नहा धोकर पूजा कीजिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। वृथा में, बेकार में ही आपका मन भटके रहे कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये दोहा काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग मूवी में देखे होंगे। देखिए कैसे, ये जो दोहा है ये प्रेम को लेकर के है, ठीक है। और यहां प्रेम में देखिएगा कैसे यहां पे होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सुख करे भव हनु हसे देख कटे नहीं जाए। यहां पे समझिएगा, देखिए कभी कभी मूवी में क्या होता है कि एक हीरो और एक हीरोइन होती है लोग, ठीक है, और देखना किसी वजह से अगर हीरो गुस्सा हो जाता है तो मतलब उसमें जो नायिका होती है हीरोइन उसका सामान ले लेती है, ठीक है, और ले लेती है और देने नहीं देती है, और बोलती है कि हाँ हमारे पास है, इशारा में ही कहती है, ठीक है, आंखों से इशारा में ही कहती है कि हाँ मेरे पास है, और वो नहीं, तो जब वो मतलब हीरो जो होता है मांगता है, ठीक है, तब है हम तुमसे गुस्सा है, जो है तो मेरा सामान दे दो, ठीक है, तो वो नहीं देती है, ठीक है, वो अपने पास बुलाती है ताकि जब पास में आएंगे तो उसको मैंने मना लिया जाएगा, अब जिस तरीके से मनाए, ठीक है। तो यहां देखिए वही बात, ये भगवान कृष्ण को जोड़ करके कहा गया है कि बतरस लालच लाल की, ठीक है, मुरली धरी लुकाए, यानी बात करने के लिए, ठीक है, बात करने के लालच में जो भी गोपियां हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण के मुरली को चुरा ले रही हैं, मतलब लुका ले रही हैं, ठीक है,
और उसे अपने ठीक है भौरों से मतलब आंखों से इशारा करके ठीक है और उसे बुला रही हैं, ठीक है, ताकि अपना, और बार बार बोली है, वो इशारा भी कर रही हैं कि हमारे पास मुरली है और उन्हें दे भी नहीं रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है अगले लेयर में। तो अगला दोहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त और मजेदार है। देखिए, जब जब वह सुधी करिए तब तब सुधी जाही, आखिनु आखी लगी रहे आंखें लागती नहीं। बड़ी मजेदार है, देखिएगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं बिहारी कि जिन व्यक्तियों को प्रेम हो जाता है और किसी कारणवश बहुत सारी परेशानी आती है, देखिए प्रेम मोहब्बत जो होता है, ठीक है, ये फिल्म में पर्दे पर ही अच्छा दिखता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं है यार। रियल लाइफ में प्रेम का मतलब दुख तकलीफ दर्द पीड़ा, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर आप उसके लिए झेलने के लिए तैयार हैं तो बेशक आप प्यार मोहब्बत में पड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है तो। नहीं तो आपकी नींद भी खत्म हो जाएगी, आप रात को सोएंगे लेकिन नींद तो कभी आएगी नहीं। देखिए यहां पे वही हो रहा है, देखिए, जब जब वे सुधी कीजिए, सुधी कीजिए का मतलब याद कीजिए, स्मरण कीजिए, ठीक है, जब जब उनकी यादें आएंगी, ठीक है, तब तब सुधी जाही, अपने सखा सखी से लगोगे बोलने, ठीक है, जब जब उनकी यादें आती हैं, ठीक है यार, नींद नहीं आता है, अंदर घुटन सी महसूस होती है, ठीक है। तो वही बात है कि जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आँखनी आँखी लगी रहे, आप सोचते रह जाएंगे कि अब नींद आएगा, आंखें लगती नहीं, लेकिन कभी नींद नहीं आने वाला है, ठीक है, आप बस सोचते ही रह जाएगा, आपको टेंशन होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे दूर रहना है, ठीक है, ये सब फिल्म में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, रियल लाइफ में सब बेकार है। इधर देखिए अगला, देखिए अभी बताया था कि प्रेम के भी हैं, भक्ति के भी हैं और नीति परक ही, तो प्रेम के बारे में तो जान लिए, भक्ति के बारे में जान ही लिए, थोड़ा सा नीति थोड़ा सा देख ले कि लोगों का जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, इंसान को कैसा होना चाहिए, यहां देखिएगा, ठीक है। नरकी अरु नर नीर की गति एके करी जोए, ठीक है, और जे तो नीचो होवे चले ते तो ऊंचे होए। यहां पे समझिएगा, जिस तरह नर का मतलब होता है पुरुष, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, नर की अरु नर नीर की नीति, और यहां पे नल नीर की नीति, नल का मतलब जिससे पानी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, नल और नर ये दोनों का नीति सेम है, ठीक है, मतलब एक के यहां पे गति एक के करी हुई, किस तरह दोनों सेम है यहां समझिएगा, जिस तरह नर जो होता है वो जेते नीचे हवे, वो जितना ही झुक के अपना काम करेगा उतना ही वो ऊपर जाता है, ठीक है, अपनी सफलता को प्राप्त करता है। कहा जाता है, एक और दोहा इसमें शामिल कर सकते हैं कि जितना, जैसे ही आम का जो पेड़ होता है फलों से लग जाता है यानी गुण से भर जाता है, इंसान क्या है, इंसान के अंदर जितने भी जितना क्वालिटी अच्छा अच्छा भर जाएगा, गुण जितना भी अच्छे इंसान होते हैं, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, वो अपने सर झुका के चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर, ठीक है, वो बहुत सारी मतलब क्या है अच्छी अच्छी क्वालिटियां। वैसे ही बोला है कि नर की और नर नीर की गति एक एक करीज हो, नल और नर की नीति दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों की गति एक ही समान है, जितना वो नीचे जाएगा, जितना अपने आप को, ठीक है, दिलासा देगा, जितना अपने आप को तपाएगा, ठीक है, उतना ही वो ऊपर जाएगा, ठीक है, उतना ही ऊंचे होए। उसी तरह नल भी है, जितना ही वो नीचे जाएगा उतना ही वो ऊपर पानी पहुंचाता है, ठीक है। तो यहां पे समझ सकते हैं। अगला देखिए दोहा कैसे है, संगति सुमति न पावही परे कुर्ती के धंद। कुर्ती का मतलब समझते होंगे, ठीक है, अभी फिर से हम समझा देते हैं कि संगति सुमति, सुमति का मतलब होता है जो बुद्धि में काफी परिपूर्ण हो, ठीक है, जिसका ज्ञान काफी अच्छा हो, ठीक है। तो अगर संगति मतलब होता है संगत, संगति सुमति न पावही, याद रखिएगा, आप अच्छा के साथ है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जिस दिन आप कुरीति, ठीक है, कुरती के धंध, अगर आपको बुरा लग गया, कुरती के धंधा में आप पड़ गए, तो आप कितना भी उसके बाद अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जल्दी आप सुमति यानी बुद्धिमान आदमी का साथ नहीं पकड़ सकते हैं। अगर एक बार आपने गलत ऐब, अगर गलत आपके अंदर हैबिट पड़ गया, तो आप कितना भी अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छे लोगों का साथ पकड़ पाना। सेम वैसे ही जैसे कि राखो मेली कपूर में हींग न हो सुगंध, जिस तरह की अगर आपको
हींग को कितना भी कपूर में डाल लो तो हींग का मतलब जो सुगंध होता है वो बदलता नहीं, वैसे ही अगर एक बार आपके अंदर बैड हैबिट घुस जाए, ठीक है, अंदर चला जाए, तो उसको निकालने में और अच्छा हैबिट डालने में बहुत समय लग जाता है। अब अगला दोहा हम लोग देखेंगे, तो अगले दोहे का अर्थ समझिएगा ध्यान से, देखिए, बड़े नहुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, ठीक है, और कह धतुरे सो कनक गनो गड़ियो न जाए। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, कि बड़े नहुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खाली किसी के बारे में तारीफ करने से, ठीक है, उसके बारे में गुण गाने से वो इंसान बड़ा नहीं होता है। बड़े नहुजे गुणन बिनु, इंसान जो बड़ा होता है वो नहीं चाहता है कि मेरा गुणगान हो, ठीक है, बिरद बड़ाई पाए, बिना बड़ाई के भी वो खुद महान है, महान इंसान तो खुद महान है, बड़ा तो खुद बड़ा होता है, ठीक है। कह दतुरे सो कनक गहनो गड़ियो न पाए, और सुनिए, देखिए धातु भी होता है तो गहना, जैसे सोना भी एक धातु है, ठीक है, तो अगर सोना को देखिएगा तो कह रहा है यहां पे कि कह धतुरे सो कनक, अगर तुम धतुरे को कह रहे हो कि ये कनक है, सोना है, किसी भी धातु को, ठीक है, तो उससे गहना तो नहीं बनाया जा सकता है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को तारीफ कर करके उसे महान बना दे रहे हैं आप, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि वो इंसान महान है, अगर वो खुद महान है तो उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आई एम महान, आई एम ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं है जरूरत, ठीक है। वैसे ही अगर कोई सोना है, ठीक है, तो उसको किसी भी धातु को अगर हम सोना कह रहे हैं तो उसको जरूरत नहीं है सोना कहने का, अगर वो सोना होगा ना तो जरूर कीमती होगा, और जिस व्यक्ति का कीमत होता है वो कभी अपना बताता नहीं है, ठीक है। यहां देखिए अगला दोहा, दीर्घ सांस ना लेहू दुख सुख साई ही न भूल। याद रखिएगा कि दुख में दीर्घ सांस मत लीजिए कि ओ पाप रे, ठीक है, दीर्घ सांस मत लीजिए, ठीक है, सुख साई ना भूल, और अभी कभी अपने सुख को भूलिए मत। ये नहीं कि लोग क्या करते हैं कि सुख को भूल जाते हैं और दुख में कहते हैं कि बाप रे बाप भगवान ने हमको कितना दुख दिया है, ठीक है, और वो जो सुख इसके पीछे पाए थे उसका क्या, उसका हिसाब किताब कौन करेगा, ठीक है। तो यही बात है कि यहाँ पे सुख साई ना भूल, दई दई क्यों करत तू है, काहे बार 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 भगवान भगवान कहते हो, दई दई सुख कबूल, काहे बार बार गॉड का नाम याद करते हो, हे भगवान हमको कितना दुख दिए हो, कितना तकलीफ दिए हो, ठीक है, और असुख भी मिलता है तो और मांगते हैं कि भगवान साइकिल है ना, मोटरसाइकिल एक रहता ना तो बाइक रहता तो बड़ी मजा आता, ठीक है, जो भगवान दिए हैं उसको कबूल कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये दोहे का आशय यही हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा दोहा आपको काफी अच्छा से समझ में आया होगा, बिहारी के दोहे तो सही बात है कि नहीं। इस दोहे को गागर में सागर कहा गया, गागर का मतलब एक छोटा सा समझिए कि एक बर्तन है, ठीक है, और उसी में सागर, यानी छोटे से दोहे में ये पूरी जिंदगी बता दिया है, इसीलिए इसको गागर में सागर कहा गया, और ये बिहार के बिहारी ही है, ठीक है, और इन्होंने काफी अच्छा से इन्होंने पूरा का पूरा दोहा के बारे में, इन्होंने प्रेम के बारे में बताया, भक्ति के बारे में और नीति परक। याद रखिएगा, इस लफड़ा में, प्रेम के लफड़ा में अगर आप पढ़िएगा तो आपकी जिंदगी बदतर हो जाएगी, ठीक है। मोहब्बत कीजिए, बहुत लोगों से आप सुनी है, प्यार तो कीजिए किताबों से, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।